में ये काम करते हैं यहाँ पर कितना कमा लेते हैं? तो कोई रोज हो जाता है, कोई रोज नहीं होता है, मैंने ऐसा ही कुछ। तो फिर भी मोटा मोटी कितना कमा लेते हैं? मोटा 150 रुपया ये जाता है। कोई नहीं दिया है, लॉकडाउन हुआ था ना, कुछ रोज मैंने महीना डेढ़ महीना दो महीना तक मैंने मदद किया था दाल भात। कौन किया था? ओ ये नया बाजार का है, उसका नाम हम भूल जाता है। तो दो महीना किया, उसके बाद फिर नहीं? हाँ, उसका बाद में और कोई नहीं दिखाई दिया। भूख का कोई मजहब नहीं होता। जब इंसान को कमाना होता है तो पापी पेट इंसान से जो ना करवाए वही कम है। आइए आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, लेकिन किस तरीके से अभी भी वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर चूना जो है वो चूना बेचते हैं और दिन में एक या दो वक्त की रोटी उन्हें खाने को मिलती है। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है सृजन और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। और हमारे देश की ये इतनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी वृद्ध होने के बावजूद, बूढ़े होने के बावजूद भी मेहनत और परिश्रम करके अपना पेट पालते हैं। और इनके लिए सरकार या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं जो कि यहाँ, या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या सुविधाएं इन्हें प्रदान कर रहे हैं, कितनी मदद इन्हें मिल रही है, नहीं मिल रही है, आइए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? बहुत सो बातचीत करने के लिए स्वागत है। अच्छा, कब से लगा रहे हैं ये दुकान यहाँ पे? यहाँ से बहुत, हम छोटा था, हम लोगों का पिताजी लगाया था 1947 से। 1940 के टाइम से? 47 के टाइम से। हाँ, तो जैसे घर में कितने लोग हैं आपके? हमारा घर में है लड़का का, दो बेटी दो लड़का, और हमारा दो लड़की एक बेटा। लड़की लोग का तो शादी हो गया होगा? एक का शादी हुआ। हाँ, एक का अभी कराना है? हाँ, अभी कराना है। दिन भर में ये काम करते हैं यहाँ पर कितना कमा लेते हैं? तो कोई रोज हो जाता है, कोई रोज नहीं होता है, मैंने ऐसा ही कुछ। तो फिर भी मोटा मोटी कितना कमा लेते? मोटा 150 रुपया ये जाता है। 150 रुपया, तो एक इसमें कितना चूल्हा जल पाता है, कितना खाना खा पाता है इसमें? आप लोग समझ लो मैंने 3.5 किलो चावल आ जाता है। तो जैसे सरकार की तरफ से कोई मदद, राशन वाशन मिलता है? हाँ, मिलता है। क्या क्या मिलता है? चाल, नमक, कोई टाइम में दाल भी मिलता। गेहूं? गेहूं भी मिलता है। महीना दर महीना मिलता है? महीना। हाँ, उसमें हो जाता है। घर में कितने लोग हैं? पूरे कितने लोग हैं? 7-8 लोग? हाँ, 11-12 लोग हैं। बीवी हैं आपकी? हाँ। तो बोल रहे हैं कि जैसे जीवन यापन करने में किस तरीके की परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं, खर्चा वगैरह निकल जाता है कि दिक्कत होती है? नहीं, कोई एक लड़का काम करता है, उसी लिए मिला जुला करके चल रहा है। मिला जुला करके चल रहा है। हाँ, तो अगर मान लीजिए सरकार से कोई मदद लेनी हो तो किस तरीके की मदद मांगना चाहेंगे, क्या चाहेंगे अपने लिए? हमारा माने कुछ नहीं है, खाने पीने का तकलीफ नहीं होना चाहिए माने यही सरकार से। हम तो बुढ़ा हो गया है अभी तो, हमारा तो माने आ जाएगा। उम्र हो रही है आपकी? आ जाएगा 50-60 तक हो जाएगा। तो 60 साल इनकी उम्र हो गई है। हाँ, तो मैं जो पेंशन भी मैंने आना चाहिए, वो भी कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ पर बस्ती में। 60 साल की उम्र में भी इंसान इतना मेहनती है, इतना परिश्रमी है, पसीना बहाकर यहाँ पर, देखिए दिखा दीजिए, आकाश दिखाइए, ये चूना लेकर के बैठे हैं। और यहाँ पर जुगसलाई से, जब थोड़ा सा जुगसलाई फाटक से आगे बढ़िएगा और यहाँ पर बाएं मुड़िएगा तो यहाँ पीछे चूना भट्टी है जहाँ ये रहते हैं। तो कभी कभी कोई आया, कभी कोई मदद वदद करने के लिए, कभी कोई सरकार से या कभी कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, कभी चलिए आपको हम घर वगैरह बढ़िया दे देते हैं या कुछ ऐसा दे देते हैं या कुछ काम करवा देते हैं? कोई नहीं दिया है। लॉकडाउन हुआ था ना, कुछ रोज मैंने महीना डेढ़ महीना दो महीना तक मैंने मदद किया था दाल भात। कौन किया था? ओ ये नया बाजार का है, उसका नाम हम भूल जाता है। तो दो महीना किया, उसके बाद फिर नहीं? हाँ, उसका बाद में और कोई नहीं दिखाई दिया।
एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? बहुत से ऐसी युवा पीढ़ी है जो मेहनत करने से ज़्यादा जो है कोशिश करती है कि जैसे मेरा समय ऐसे ही पार हो जाए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेहनत करने का अहमियत क्या है जीवन में? मेहनत करना कितना ज़रूरी है? देखो मैंने मेहनत करने से मैंने खाने पीने के लिए मैंने तपरूट नहीं होगा, एक टाइम नहीं एक टाइम मैंने दो रोटी मिल ही जाएगा। अरे जो मैंने बिक्री होगा तो अब खाना होगा, नहीं बिक्री होगा तो मैंने घर का से जो जुगाड़ होगा वही वाला। तो कई बार ऐसा भी होता है बिना खाए भी सोते हैं, ऐसा होता है? नहीं नहीं तो मैंने मुड़ी उड़ी लेके मैंने मुड़ी उड़ी लेकर के चल जाता है, उसी में मैंने दिन पाल लेता है। और जैसे कपड़ा उपड़ा ये वो सारा चीज़ ठीक ठाक रहता है कि दिक्कत है उसका भी? हाँ कपड़ा उपड़ा भी मैंने मिलता नहीं है तो कहीं वहीं से मांग वगैरह के करते हैं। हाँ कोई कोई दया जन्म हो जाता है तो मैंने एक तो मैंने कुत्ता भी ला के देता है, कोई धोती भी देता है, मतलब लोग मदद करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ पब्लिक मैंने मदद करता है। तो यहाँ चूना भट्टी में कब से? बचपन से यहीं पर रह रहे? हाँ बचपन से यहाँ, हमारा लड़का बच्चा हो गया, हम पैदा हुआ समझ लीजिए इतना साथ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है नीरा। बातचीत के लिए स्वागत है आपका भी। कब से कर रहे हैं काम ये वाला काम? हम लोगों बचपन से, हम लोग पैदा नहीं हुआ तब से, मेरा दादा दादी मर गया यहीं पर ही, हम लोग तब से ही धंधा कर रहे हैं। तो इसके अलावा कभी कुछ और करने का नहीं सोचे? हर का करेगा बाबू, कमाई कमाई होगा बढ़िया से तब ना। तो कमाई कहाँ से होगा, कुछ कमाई का धंधा दीजिएगा तब तो कमाई होगा। तो सरकार देख रही है क्या 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 धंधा अपने लिए चाहते हैं बताइए, हम कोशिश करेंगे आपका आवाज वहाँ तक पहुँचाने का। बताइए धंधा आप दिलवा दीजिए तब धंधा हम लोग करेगा। जैसे कौन से तरीके का काम आप कर पाइएगा जैसे बताइए? तो क्या करेगा, ठेला वगैरह ये सब लगाइएगा? हाँ तो क्या करेगा, ठेला उला होने से भी मिला देगा तो भी कम कर सकेगा, सब्जी सब्जी कुछ नहीं कुछ, अब क्या करेगा, हम लोग तो गरीब आदमी है ही है, आप लोगों तो देखे ही रहा, तो फिर क्या कर पाएगा हम लोग? अभी हम लोगों का जैसे उम्र घट गया तो हम लोग ठेकेदारी खटना सकेगा हैं? जो ठेकेदारी पसीना फेंक के हम लोग खाएगा वो तो नहीं धंधा चलेगा। सही बात है। तो देखा अपने की किस तरीके से ये विडंबना है। देखिए इंसान 60 साल की उम्र में 65 साल की उम्र में भी अभी भी मेहनत कर रहा है और अभी भी परिश्रमी है और अभी भी पसीना बहाने के बाद ही इन्हें एक वक्त की दो वक्त की रोटी कहीं मिल पाती है। युवा पीढ़ी को एक संदेश हम देना चाहते हैं कि जब ये यहाँ पर मौजूद, जब ये खुद इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर सकते हैं तो युवा पीढ़ी काम नहीं करने का आपका क्या बहाना है और मेहनत से भागने का आपका क्या बहाना है? तो जिन लोगों को भी चूना वगैरह खरीदने की ज़रूरत होगी तो सिर्फ दुकानों पर ही ना जाएं, कभी ऐसे गरीबों के पास और ज़रूरतमंद लोगों के पास आकर भी ये चीज़ें आप खरीद सकते हैं। और चूना तो सभी घरों में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों में से एक है, अलग अलग चीज़ों में लोग इस्तेमाल करते हैं, कई लोग चोट वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कई लोग घर पर चूना और लीपा पोती वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर आकर इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदेगा, क्या पता कि जब आप एक समय आकर यहाँ पर कुछ खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपके खरीदने की वजह से दो वक्त का चूल्हा इनके घर पर जल जाए। और युवा पीढ़ी से भी यही कहेंगे कि मेहनत ही जीवन का आधार है और मेहनत से भागने का कोई तरीका नहीं है, बिना मेहनत के एक ही चीज़ आप कर सकते हैं वो है सांस लेना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पहुँचना कैसे है, मेरे पीछे जुगसलाई गोल चक्कर नज़र आ रहा है, फाटक जैसे ही आप पार करेंगे और जो गेट नंबर 3 है टाटा स्टील का, वहाँ जाने से पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ये चचा नज़र आ जाएंगे जो यहाँ पर बोरे में यहाँ पर चूना बेच रहे हैं। इसी तरीके की अलग अलग स्टोरीज़, ज़रूरी मुद्दे, जनहित के मुद्दे और जहाँ पर आम इंसान पर किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, गाज गिर रही है, उसको कोई मदद प्रदान करनी है या फिर उसे कोई सहूलियत प्रदान करनी है, वहाँ पर सर्वप्रथम सबसे पहले हम ही खड़े नज़र आएंगे आपको। अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद अपने सहयोगी आकाश के साथ। मैं शीजन मिश्रा, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। जय हिंद दोस्तों।